अंकुर के पास आता हूं। अंकुर, आरएलडी की चर्चा अभी साल भर से इतनी ज्यादा हो गई, इतनी ज्यादा हो गई कि हम लोगों को ढूंढना बड़ा मुश्किल हो गया। पहले होता था कि आरएलडी के प्रवक्ता कौन है, आरएलडी के प्रवक्ता कौन है। अब तो आप लोगों का इतना नाम रोशन हो रहा है कि अब ढूंढना मुश्किल भरा काम नहीं है। ऐसा क्या कर दिया सर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में? खूब वीडियो जारी करवा रहे हैं अखिलेश यादव से कि देखिए पोस्टल बैलेट से धांधली की शुरुआत हो गई है, बीजेपी पता नहीं क्या करेगी। इस बार किसानों को साधने में लगे हुए हैं, बेरोजगारों को साधने में लगे हुए हैं, महंगाई पर खूब बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं, लेकिन सुनने में आ रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का गणित ही बीजेपी पलटने की फिराक में है और दावे भी कर रही है बीजेपी कुछ नहीं होने वाला है। बताइए क्या है कहने के लिए आपके पास? सबसे बड़ी सर्वप्रथम तो हम आपको धन्यवाद कहेंगे कि आपने राष्ट्रीय लोकदल के लिए इतना बढ़िया बात प्रस्तुत की है, लेकिन आप इस बात को भूल गए कि हम लोग चौधरी चरण सिंह साहब के विचार मेरी बात आप अच्छे तरीके से लिए अंकुर, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। नहीं, दिक्कत यह है कि मेरी बात को लोग पलट करके सीधे पता नहीं कहाँ से कहाँ जोड़ देते हैं। चलिए बोलिए सर अंकुर, बोलिए। नहीं सर, बहुत बहुत हार्दिक आभार आपका। और रहा सवाल भारतीय जनता पार्टी का, तो भारतीय जनता पार्टी के जो भी वीडियो वायरल हो रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी जितने भी सब्जेक्ट पे बात कर रही है, भारतीय जनता पार्टी का वीडियो वायरल नहीं हो रहा है अंकुर। मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा मैं आपको करेक्ट कर दूं, वो वीडियो दरअसल अखिलेश यादव ने जारी किया है, उनकी तरफ से दो वीडियो जारी किया गया। एक वीडियो में एक अधिकारी कह रहा है कि एक वोट से क्या हो जाएगा, उस पर वो सवाल उठा रहे हैं। उनका सवाल सही है वैसे, मैं गलत नहीं बोलता हूँ। दूसरे में एक में दावा किया जा रहा है अखिलेश यादव की तरफ से, मैं इसलिए करेक्ट कर रहा हूं ताकि थोड़ा सा आसान हो जाए बोलना आपके लिए। दूसरा जो वीडियो उनकी तरफ से जारी किया है वो दिखा भी रहे हैं, जिसमें बाकायदा एक दिव्यांग की तरफ से दावा किया गया कि मुझे साइकिल पर वोट करना था लेकिन कुछ अधिकारियों ने जबरदस्ती मुझसे कमल छाप पर वोट करवा दिया। ये दरअसल मुद्दा है। ये वीडियो कैसा है, सच है झूठ है तो अलग बात है, लेकिन क्या लगता है, मैं थोड़ा सा एक कॉम्बिनेशन की बात पूछ रहा हूं, क्या छोटी छोटी चीजों को एक बहाने की लिस्ट बना रहे हैं, फिर धीरे धीरे ईवीएम पर सवाल उठाएंगे, या फिर जैसे चुनाव में, बहुत सही बात कहा आनंद दुबे ने कि क्या बाहर से यूएन से आएगा क्या यहाँ पर कोई चुनाव कराने के लिए, कम से कम हमारे संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल तो नहीं उठाएंगे ना इस बार अंकुर जी? बताइए। नहीं, आपने जो सवाल पूछा उसका मैं क्रमशः जवाब देता हूँ। देखिए सर, सबसे बड़ी बात ये है कि बिल्कुल सही बात है दुबे जी ने जो बात कही है कि उत्तर प्रदेश में या भारत में चुनाव कराने के लिए निर्वाचन आयोग है, लेकिन वो निर्वाचन आयोग आज की दिन नजर कहाँ आ रहा है? 2022 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अगर कहीं पर निर्वाचन आयोग आपको नजर आ रहा हो तो मुझे स्पष्ट करने की कृपा करें। उत्तर प्रदेश के लखनऊ महानगर, उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, यहाँ पर तरुणी नगर सीट पर माननीय बीआरएस लेते हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि बनते हैं, उन्हीं की मिसेज आईजी जोन है। क्या उत्तर प्रदेश में, आप सोचिए, आपके सम्मानित नेशनल चैनल के माध्यम से मैं ये बात उठाता हूँ क्योंकि लक्ष्मी सिंह चौहान आईजी जोन लखनऊ, क्या चुनाव आयोग को इस बात की जानकारी नहीं है कि उन्हीं के हस्बैंड सरोजनी नगर सीट से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं? राजेश्वर सिंह की बात कर रहे हैं आप? जी बिल्कुल, बात कर रहा हूँ उनकी। क्या दिक्कत है राजेश्वर सिंह को टिकट मिलने से, क्या दिक्कत हो गई आपको? आईजी उनकी पत्नी, अरे भाई जब सैया भाई कोतवाल तो डर काएगा, हमारे अंडर में सारे थाने हैं, नैतिकता का मामला होता है और चुनाव की पारदर्शिता के लिए अत्यावश्यक होता है। मतलब मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ, मेरी भाई वहीं पे थानों की हेड बनी बैठी, आईजी जोन बनी बैठी, आप कह रहे हो कि उनको क्या है? चुनाव आयोग को तत्काल इसका संज्ञान लेना चाहिए था, बकायदा चुनाव आयोग की नजर में यह मामला होना चाहिए था, चुनाव आयोग ने कोई एक्शन लिया? इसके अलावा उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री कैसी भाषा का, कैसी शब्दावली का प्रयोग कर रहे हैं, उस शब्दावली के ऊपर चुनाव आयोग को बकायदा समाजवादी पार्टी और की तरफ से एक लेटर भेजा गया। तो आप लोग भी कर रहे हैं ना अंकुर, आप लोग भी कह रहे हैं चर्बी उतार देंगे, है ना, चर्बी उतार देंगे, समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है भूसा भर देंगे हिंदुओं के अंदर। देखिए सबसे बड़ी बात है, हिंदू गर्दी बढ़ गई है, क्या ये सब शब्द, इन शब्दों पर कोई कुछ कहेंगे? आप बताइए कि मैनुपुलेशन किसके द्वारा किया जा रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी सत्तारूढ़ दल के द्वारा इस चीज का मैनुपुलेशन किया जा रहा है। आपके द्वारा कहा जाता है कि दो लड़के हैं, आप देखिए
एक सम्मानित और संवैधानिक पद के ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति अगर भाषाई मर्यादा का पालन नहीं करेगा, अपने शब्दकोश को मजबूत नहीं करेगा, तो आप बताइए कि हम जनता के बीच में क्या मैसेज देंगे? ये तो सभी सभी की जरूरत है अंकुर, ऐसा तो नहीं है कि आपने आपने एकदम से बहुत बड़ा ज्ञान दे दिया। इस ज्ञान से उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा, ऐसा तो है नहीं अंकुर। जिसे जो बोलना है वो बोल रहा है, जिसे जो बोलना है बोल रहा है। लेकिन 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 आप खुद सोचिए, एक संवैधानिक पद पे प्रदेश के मुख्यमंत्री बैठे हुए, उनका शब्द चयन कैसा होना चाहिए? आप इतने गरिमामय माहौल में हम लोग जैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, आपके द्वारा, आप एक वरिष्ठ एंकर हैं, आपके द्वारा जिस तरीके से हम लोगों के समझ वार्ता रखी जा रही है, आप देखिए पब्लिक के बीच में मैसेज जाता है। अगर आप गलत शब्दों का चयन करेंगे, प्रदेश के मुख्यमंत्री होकर वो भाषाई मर्यादा का पालन नहीं करते हैं, और आप विपक्षी दलों के ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं, उनके भाषाई शब्दों में क्या है कि 10 मार्च के बाद हम गर्मी उतार देंगे, उनके शब्दों का आप चयन देखिए ना, दो लड़के 10 मार्च के बाद नजर नहीं आएंगे। इस तरीके के आप मुझे बताओ अंकुर, की जब भाषा को लेकर, शब्द को लेकर इतनी दिक्कत है, कुछ आप लोग नजीर पेश करना चाहते हैं, तो फिर गर्मी के बाद चर्बी क्यों बोला गया? आप लोग नजीर पेश करना चाह रहे हैं ना कि हम लोग बहुत अच्छे हैं और अच्छे अच्छे तरीके से लोगों से बात करते हैं, तो नजीर क्यों नहीं पेश कर रहे?